हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्लास टेस्ट 06 का क्वेश्चन नंबर है 25, और हमने वीडियो सॉल्यूशन कराया था और उसमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई, उसी को हम सुधार रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाब बनाने के लिए, देखिए घनाब बनाना है, ठीक है, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मिस्टेक क्या की थी, इस 2 mm को हमने क्या मान लिया था, व्यास मान लिया था, जबकि ये तो यहाँ पे मोटाई है, ठीक है। तो सिक्के का व्यास कितना है, व्यास का मतलब है 2R इक्वल टू कितना होगा, 1.75 सेंटीमीटर, ओके। और R यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.75, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 शून्य लगा देते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हाइट कितनी होगी, यानी कि मोटाई 2 mm है ना, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 2/10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हमको निकालना कि कितने सिक्के पिघलने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों के आयतन बराबर करने हैं, ओके। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर घनाब का आयतन, नीचे सिक्के का आयतन, ठीक है। तो 5.5 गुना 10 गुना 3.5, और यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 लगा देते हैं, ठीक है। बट्टा क्या आएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बेलन, ये जो सिक्का होगा वो क्या होगा, बेलनाकार होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर एच तो कितना होगा, 22/7 गुणा आर कितना है, 175/200 गुणा 175/200, और गुणा एच कितना होगा, 2/10, ठीक है। देखिए हमारा पहले आंसर आ गया था 3500, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, ये आर ले लिया था, ठीक है, लेकिन अब जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ठीक है। मैंने देखा और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अगेन मैंने रीड किया, और मैंने देखा यार गलती कैसे हो सकती है, बहुत ही टेस्ट ध्यानपूर्वक बनाया गया था, ओके। तो यहाँ पे गलती नहीं थी, ये वीडियो सॉल्यूशन कराने में गलती हो गई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये 7 से कैंसिल होगा कितनी बार, 7 × 14 और 3 बज गया 35, 7 × 35, ठीक है, 25 बार, और ये 7 से कैंसिल होगा 5 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा फिर से 25 बार, ठीक है। अब देखिए ये कितनी बार कैंसिल होगा, देखिए यहाँ से ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 10 से ऊपर 1 10 कैंसिल, और ये वाला 10 1 यहाँ से कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 बच गया और यहाँ पे बच गया 11, ओके। अब देखिए 11 से ये 55 कैंसिल होगा 5 बार। अब ये 25, देखिए 5 × 25 और 25 से 25 कैंसिल, अब नीचे क्या बच गया, देखिए 25 बच गया और नीचे 100 × 100 बच गया, तो 25 × 100। अब देखिए क्या बच गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे बच गया 1/400, ऊपर 1 है, ठीक है, तो ये 400 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जो एन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 400 वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि 400 सिक्के हमको पिघलाने पड़ेंगे ऐसे इस विमा के, ठीक है, 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे एक इस प्रकार का घनाभ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, ओके, और यही राइट आंसर होगा, और वहां पे हमने जो त्रिज्या गलत ली थी ना, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया था 3500 आ गया था, इसी को मैंने अभी सुधार दिया, ओके। तो ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, ओके। तो आप सभी टेस्ट ज्वाइन करें अच्छे से, ओके, और बहुत ही शानदार आज का टेस्ट रहा है, और बिल्कुल ये रीट और सीईटी दोनों एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से है, और कितने जो क्वेश्चंस है उनको कितना मिनट एग्जैक्टली देना चाहिए उनके लिए हमने पूरा यहाँ पे सुव्यवस्थित किया है, यहाँ पे टाइमर चलता है, ओके, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो मतलब ये क्लास टेस्ट जो 6 हुआ है आज का, वो जरूर एक बार ज्वाइन करिए, और जो मैथ क्लास टेस्ट सीरीज से एक जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सारे टेस्ट एक जगह हम अपलोड कर रहे हैं, ओके, और 1 से लेके 5 तक के जो भी टेस्ट है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, ओके, और 6 से आगे आगे रेगुलर चलते रहेंगे, हर संडे को 2 PM ये टेस्ट होता है लाइव, ओके, और जो भी बाद में देना चाहे वो सब वीडियो पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, ओके। तो वहां से भी आप जाके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और लास्ट में आपको जैसा कि पता है एक OMR आंसर शीट नाम से लिंक आपके सामने दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, ओके, तो वहां से जाके आप अपनी OMR भर सकते हैं और अपने टेस्ट की रैंक और मार्क्स आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, कितने छोड़े हैं, वो सब वहां पे डिटेल आ जाता है, ओके। तो ये मैंने बता दिया है आप सभी को, और ये 25 क्वेश्चन आपका अब हो गया है, ओके, उस टाइम थोड़ा सा गलत हो गया था तो इस गलती को मैंने सुधार दिया है, तो ध्यान से सभी देख लेना, ओके ओके, थैंक यू दोस्तों।